लगवा दिया उनका। घर हमारे पापा उमेश कुमार शर्मा और दिनेश कुमार शर्मा के नाम से घर है। जबरदस्ती रह के सर घर बनवाई थी, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, दो बार 157 का चालान भी हो गया सर। हम गेहूँ फैलाने गए थे, अपना गेहूँ फैला के चले आए थे हम। उनकी लड़की आकृति शर्मा गई थी, बाल तंगी कर रही थी और बाल सारे गेहूँ में फेंक रही थी। दिनेश कुमार शर्मा मेरे जो चाचा हैं वो जल चढ़ाने गए तो उन्होंने देखा तो मना किया उसे कि बाल मत फेंको। और उस पर उसने कहा मैं फेंकूँगी, जो करना कर लेना मेरा। और उसकी बीवी यानी वंदना शर्मा, उसकी माँ पहुँच गई वहाँ पर मारपीट करने, और रमेश शर्मा पहुँच गए और उनका लड़का आर्ध्य शर्मा पहुँच गया। यहाँ से चक्कू डंडा सरिया लेके मारा है, खूब मारा है। और अब हम लोग गए कि थाना जा रहे हैं तो उन्होंने कहा अपना सर फोड़ के जानबूझ के कहें कि हम भी चल रहे हैं मेडिकल कराने, और पुलिस उनका मेडिकल करा दी। हमारा मेडिकल नहीं हुआ, कुछ भी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। आज एक साल से यही परेशान है हम लोग हैं। पुलिस वाले जाते धारा 151 दो बार लगा चुके हैं, कुछ करते नहीं। क्या चाहती है? हम चाहते हैं सर, चाहते थे सर ये घर खाली कर दें और उसके बाद मुकदमा जीत जाएंगे तो आ जाएंगे हम, तब इनको दे देंगे जब जब बोल देगा। नाम क्या है? रूपाली शर्मा। सर आज साल भर हो रहा सर, आए दिन ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं सर। मेरे चाचा चाची हैं सर, उनकी फैमिली रहती है सर, रोज़ मारपीट करते हैं। और सर आज तो उन्होंने चक्कू से मार दिया सर, साल भर से यही चल रहा है, रोज़ करो लड़की। जब हम लोग कहते हैं लड़ाई झगड़ा मत करिए तो कह रहे करेंगे हम, और ऊपर थाने में जाके उल्टी उल्टी कार्रवाई होती, हमारी सुनवाई होती नहीं सर। ये देखिए हमारा कितना मारा है उन्होंने सर, सरिये से डंडे से चाकू से भी मारा सर, सर खून बह रहा है। क्या चाहती हो? सर इंसाफ चाहते सर, हमारा घर खाली हो जाए सर, जब ये जीत जाएंगे तभी आके यहाँ रहेंगे। कहाँ आई हो इतने टाइम, कहाँ पे आई हो? सर महिला थाने आए सर। नाम बता दो। सर प्राची शर्मा। जाएंगे